दोस्तों, ये है मेरा व्हाट्सएप जिसमें एक बहुत ही नया और कमाल का फीचर आया जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम लोग सेव करके रखना चाहते हैं, बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टार मैसेज का इस्तेमाल करते थे कि भाई यहाँ पर 3 बिंदु गए और स्टार मैसेज में गए तो आपको मैसेजेस दिख जाएंगे। पर बहुत बार ये भी होता है कि भाई हमें पर्टिकुलर डेट याद है बट मैसेज क्या था वो याद नहीं होता। तो ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज को डेट से सर्च कर सकते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर चैट पर अगर मुझे कोई मैसेज देखना है कि भाई इतनी तारीख को क्या बात हुई थी, तो मैं यहाँ पर ये 3 बिंदु दबाऊंगा और यहाँ पर जो सर्च का बटन है वो टैप करूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई मैसेज क्या था, लेकिन मैसेज याद नहीं आ रहा है, बस उस समय क्या बात हुई थी, उस डेट पर क्या बात हुई थी वो मुझे देखना है। तो ये कैलेंडर के बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर का जो ऊपर की तरफ दिया हुआ है उस पर टच करेंगे और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। मंथ चेंज करने के लिए एरो बने हुए हैं, आप एरो पर सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से एरो में सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने नवंबर सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे डेट सेलेक्ट करने की, भाई 15 नवंबर को क्या बात की थी मैंने इस बंदे के साथ, मैंने टच किया और ओके किया। तो आप देख सकते हैं 15 नवंबर का जो डेटा है वो सामने आ जाता है। अब देखिए, ये 16 नवंबर नीचे लग गया और ये 14 नवंबर की डिटेल्स अभी मेरे सामने है। 15 नवंबर को कोई चैट हुई नहीं थी, इस वजह से उसके आसपास ने ले जाकर हमें छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये चैट मैं अच्छे से देख सकता हूँ। इसी तरीके से एक बार और इस पर टच करूंगा, डेट सेलेक्ट करूंगा, 2024 ही रहने देना है, लेकिन जनवरी 2024 की बात करनी है तो यहाँ पर 17 जनवरी की मैं देखता हूँ, ओके करूंगा। और देखिए, डेट के अनुसार मुझे ला दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आप भी सर्च कर सकते हैं डेट वाइज अपने चैट्स के अंदर मैसेजेस को कि भाई उस समय क्या बात हुई थी, क्या चीज़ नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा काम का फीचर ये हो जाता है जब आपको डेट वाइज अपने मैसेजेस सर्च करने होते हैं। तो ये व्हाट्सएप का फीचर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।